दोस्तों आज की इस वीडियो के लेकर आए आईपीएल की दुनिया के बड़े अपडेट्स। सीएसके की कप्तानी पर बड़ा निर्णय, आईपीएल की तारीख घोषित, भारत में आईपीएल होने से चेन्नई खफा, शार्दुल ठाकुर लखनऊ की टीम में जाएंगे, आईपीएल के शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों की घोषणा और भी ढेर सारी अपडेट्स आईपीएल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन बहुत जल्द आने वाला है और आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 387वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। कल ही महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचे थे आईपीएल मेगा ऑक्शन की तैयारियों के लिए और कल एक बड़ी घोषणा कर दी गई चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने यह जानकारी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि बीच सीजन में कप्तान बदल जाएगा, पूरा का पूरा सीजन महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तानी करते हुए आपको दिखने वाले हैं। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके पहले खिलाड़ी हैं और जब भी धोनी कप्तानी छोड़ने का फैसला करेंगे तो उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और अभी फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा फोकस मेगा ऑक्शन पर है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल की कंफर्म तारीख को लेकर, यानी कि आईपीएल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा यह डेट हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जहां पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कल यह बताया था कि आईपीएल भारत में ही करवाया जाएगा, वह कहीं और के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और अब तारीख की बात की जाए तो लगभग यह कंफर्म हो गया है कि आईपीएल 2022 का शुरुआत होने वाला है 27 मार्च को और इसका समापन होगा 29 मई को, यानी कि कुल मिलाकर 2 महीने या तो फिर 62 दिनों तक आईपीएल 2022 का सीजन चलने वाला है और कुल मिलाकर 72 से 75 मुकाबले होंगे जो हमें 10 टीमों के बीच देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से पिछले साल हमें दुबई के 3 स्टेडियम में हमें आईपीएल देखने को मिला था, उसी तरह से मुंबई के जो 3 स्टेडियम है उसमें आईपीएल देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। हमने आपको बताया किस तरीके से आईपीएल 2022 पूरी तरीके से मुंबई में करवाने की तैयारी की जा रही है और इसमें ज्यादातर फ्रेंचाइजी राजी हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को यह रास नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि यदि बायो बबल बनाना ही है तो फिर चेन्नई में बनाया जाए और चेन्नई में भी सफलतापूर्वक आईपीएल करवाया जा सकता है। चेन्नई को भी एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है जो कि नहीं देखा जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने हर तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बारे में बोला भी है कि यदि चेन्नई में होता है तो हर तरह का वह इंतजाम करेंगे। अब इसको लेकर अभी थोड़े दिनों में बड़े खुलासे होंगे, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट जरूर होंगी, तो उसकी जानकारी भी आपको हम देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिनका नाम है रेडी अन्ना। यह साल 2010 से बने हुए हैं, यहां पर 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं, इनके पास 15 प्लस वेबसाइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं इनके अंदर, आपको यहां पर 24/7 विड्रॉल मिल जाता है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और सभी डिटेल्स दे सकते हैं। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आप काफी सारा डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट प्रूफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से या तो टेलीग्राम चैनल से रेडी अन्ना को ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कल वर्चुअल मीटिंग की नीलामी से पहले। यह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की पहली वर्चुअल मीटिंग थी, या तो फिर कह सकते हैं कि पहली मीटिंग थी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के पहले। यह जो मीटिंग है वह जूम कॉल के जरिए हुआ था और इसमें जो सनराइजर्स हैदराबाद के थिंक टैंक है, यानी कि जो न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच, बॉलिंग कोच और असिस्टेंट कोच वगैरह है, देखने को मिले, जिसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह के जो मीट होते हैं वह आपको हर दिन हर टीम का देखने को अब से मिलने वाला है, क्योंकि मेगा ऑक्शन ज्यादा दूर है नहीं, तो इसकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। और इसके साथ ही इस तरह की एक्सक्लूसिव कंटेंट आईपीएल से जुड़े हुए आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते अपना पांचवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉबिन उथप्पा की तरफ से। असल में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को लेकर कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ था जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शिखर धवन और कगिसो रबारे जैसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया था जबकि उन्हें रिटेन करना चाहिए था, और दिल्ली कैपिटल्स का जो यह फैसला है वह उन्हें बहुत ज्यादा चुभने वाला है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में भी और आईपीएल के दौरान भी। यदि वाई ने फिर से नहीं खरीद पाएंगे तो और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इन दोनों खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट खोजना। हालांकि यह बयान सिर्फ रॉबिन उथप्पा नहीं दे रहे हैं बल्कि क्रिकेट जगत के ज्यादातर दिग्गज यही मान रहे हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए था। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रविंद्र जडेजा की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग्स के जो टॉप पिक हैं रविंद्र जडेजा, वह अपने इंजरी से काफी ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वह साउथ अफ्रीका की सीरीज से बाहर थे, इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के सीरीज से भी बाहर हैं, और वह बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में अपने आप को फिट करने के लिए। और उसी दौरान उन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है द सॉल्ट स्टोर, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। यह कंपनी कपड़े वगैरह बनाती है और आईपीएल 2022 में आपको इस कंपनी का प्रचार रविंद्र जडेजा करते हुए दिखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रविंद्र जडेजा अपनी इंजरी के फाइनल स्टेज में है और उसके बाद फिर वह पूरी तरह से फिट हो जाएंगे मार्च के महीने में, मतलब आईपीएल के पहले वह पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, तो इस न्यूज के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है शार्दुल ठाकुर की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे हाल
हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल थे, खाना खा रहे थे। तो ऐसे में केएल राहुल से शार्दुल ठाकुर ने मजाक में पूछा कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में लखनऊ के फ्रेंचाइजी ने शार्दुल ठाकुर के लिए कितना बजट सेट कर रखा है। तो ऐसे में केएल राहुल ने कहा कि लखनऊ की टीम ने उन्हें उनके बेस प्राइस में खरीदने के बारे में सोचा है और एक रुपए भी ज्यादा नहीं देंगे। तो ऐसे में युजवेंद्र चहल ने मजाकिया अंदाज में बोला कि लोगों के पास भगवान के लिए कोई बजट नहीं होता है। असल में शार्दुल ठाकुर को उनके जो साथी खिलाड़ी है वह लॉर्ड कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है भगवान। और इस पूरे मजेदार वीडियो का आप आनंद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जाकर जरूर देखें। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजियों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कल तक में आईपीएल की सभी टीमों ने अपने अपने शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों की जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, उसे बीसीसीआई को जमा कर दी है। यानी कि कौन से खिलाड़ियों को टीमें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं उसकी सूची सभी टीमों ने जमा कर दी है। और अब होगा क्या कि बीसीसीआई इस लिस्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है उसमें से 200 खिलाड़ी ऐसे निकाले जाएंगे जो मेगा ऑक्शन में जिनके लिए बोली लगाई जाएगी, क्योंकि 1214 खिलाड़ियों का नीलामी होना मुश्किल होता है। और जितने शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों को आईपीएल की टीमों ने भेजा है उसी का एवरेज निकालकर 200 खिलाड़ी चुने जाएंगे और उसकी लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। तो हमारे साथ तब बने रहे, आपको तो हम देंगे ही। तो यह थे आज की आईपीएल की बड़े अपडेट्स और कल भी ढेर सारी अपडेट्स के साथ हम फिर से आएंगे। तो हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।